बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मक्का ट्रेडर्स के ओनर मिस्टर वकास से, जिन्होंने ये बाइक को डिज़ाइन किया और उन्हीं का ही आइडिया था। तो वकास भाई से हम मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं इन बाइक्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आइए उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सर, हमारे व्यूवर्स को ये जो दो बाइक्स हैं आपने मॉडिफाइड किए हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बताइएगा। सर, ये होंडा 125 डीलक्स है, 2009 मॉडल। अच्छा। और ये रावी पियागो है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट है। ये 2011 मॉडल है। अच्छा। और इनके अलावा कुछ और बाइक्स हैं जो और अभी मॉडिफाई हो रही हैं, इंशाल्लाह जैसे ही वो होंगी इंशाल्लाह आपको रिव्यू के लिए लाजमी बुलाएंगे। ठीक हो गया। तो सर, इसमें जो फ्रंट और रियर व्हील है वो किस कंपनी का है और इसका साइज़ क्या है, ये भी बता दीजिएगा। एक्चुअली दस्तर साहब, ऐसे है कि जो भी हमने इसमें पार्ट्स यूज़ किया है वो हमने वो ऐसा यूज़ किया है कि कस्टमर इजीली मार्केट से परचेज कर सके। सर्विस के टायर्स हैं इसके अंदर। अच्छा। मॉडिफिकेशन के हिसाब से जैसे हमने इसके टायर को फ्रंट वाले को बड़ा किया है, वैसे ही पिछले टायर को छोटा किया है। थोड़ी सी इंजन में चेंजिंग की है गाड़ी का पिकअप देने के लिए, बेसिकली क्योंकि ये कैफे रेसर है। ठीक है। तो हमें इसका स्टार्टिंग पिकअप चाहिए, दिस इज़ नॉट अ रेसर बाइक। ठीक है। और दूसरा, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने इसकी इंजन से भी और बाहर से चैन गाड़ी सेट से भी इसकी थोड़ी सी चेंजिंग की है, लेकिन आपको आम इजीली हर चीज़ बाजार से हमारे से अवेलेबल होगी। ठीक है। सर, इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका बहुत अच्छा आइडिया था। और ये आप वीडियो में बता दें हमारे व्यूवर्स को कि आप जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसके चार्जेस के बारे में, और ये बाइक उनको कितने में मिलेगी अगर कोई आपको ऑर्डर करता है ये बाइक लेने के लिए। असल में ऐसे है कि अगर आप हमसे अपनी बाइक ला के उसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी इजीली, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। नहीं तो हमारे पास ये बाइक्स हैं, अगर अवेलेबल हैं हम ये कस्टमर्स के लिए इसको मॉडिफाई करते हैं। आप जो भी बाइक्स कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, आपको मॉडिफाई होके मिल जाएगी। सामान जो है, पार्ट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल होता है, जो आप कहेंगे हम पार्ट्स वो लगा देंगे। ये बाइक जो है इसकी प्राइस 185,000 है, इसकी प्राइस भी सेम 185,000। ये सेल्फ स्टार्ट में आ जाती है, ये सिंपल में आ जाती है। ठीक है। तो सर, ये दोनों की जो प्राइस है सेम क्यों है? एक्चुअली ऐसे है कि मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उसमें कॉस्ट क्या आ रही है, इस पर कॉस्ट क्या आ रही है। अभी तो मेरा ये दिल है कि कस्टमर को कोई ना कोई चीज़ जाए। ये मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था कि मैं ये चीज़ें बाइक्स बनाऊँ, इनके साथ काम करूँ। और इस वक्त क्योंकि हमारे मदरसर साहब यहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बाइक, जैसे बाहर के मुल्क में लोग खुद बनाते हैं और चलाते हैं, तो अभी इसको मैं अपना एज ए बिज़नेस पर्पज़ काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा शौक है कि मेरी बनाई हुई बाइक्स जो हैं रोड पे आम यूज़ हों, कस्टमर यूज़ करें, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं जो मुझसे लेके जाते हैं। तो प्राइस जो है वो सिंपल एक टैग रखा है मैंने 185,000 के राउंड अबाउट। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बाइक्स बनेंगी तो उनको उनसे प्रॉफिट भी लेंगे, ज़ाहरी बात है, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त जो रूटीन में जैसे है वो 5-7 हज़ार रुपये ऊपर नीचे है, तो हमने उसको सेम प्राइस में इसको रख दिया। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, ये दोनों जो बाइक्स हैं इनकी प्राइस है 185,000। तो ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ऐसा काम कोई नहीं कर रहा, पुराने बाइक्स को मॉडिफाइड करके एक उसको न्यू लुक देना। तो मैं वकास साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज हमें इन बाइक्स का के बारे में हम लोगों को बताया। और मज़ीद हम वकास भाई के साथ वीडियोज़ बनाया करेंगे और आपके लिए नई नई बाइक्स लेकर आएँगे। तो आप अगर ये बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब इसको इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं और इसका आपको मैं एक इस पर ड्राइव करते हैं जिसमें वकास साहब ड्राइव करेंगे बाइक को और हम एक वीडियो बना लेते हैं उसकी। चलें वकास साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।